not the first time we are talking about the killer highways of Balochistan. हम हमेशा इन हाईवेज को हमने किलर हाईवे का नाम दिया है जो सिंगल रोड्स हैं हमारे जो हमारे थ्रू आउट बलोचिस्तान में कहते हैं कि हम रोड्स का जाल बिछा रहे हैं. जनाब स्पीकर इस पर अगर आप डाटा निकाल के देखेंगे तो बीमारियों से हमारे लोग इतने नहीं मरते जितना हमारा इस सिंगल लेन रोड पे सफ़र करते हुए मरते हैं. और जैसे कि मेरे भाइयों ने कहा कि कंपनसेशन का तो कोई नाम ही नहीं है क्योंकि जो गरीब लोग हैं जाहिर है वो जब खानदान के खानदान ही उजड़ जाते हैं तो वो कंपनसेशन के लिए कौन भागदौड़ करेगा, कौन जाएगा. अब जैसे ये पंजगूर टू कराची यानी जो जा रही थी गाड़ी, अगर आप आम तौर पर भी ट्रेवल करेंगे तो आपको इस रोड पे 4 से 5 एक्सीडेंट आपको लाजमी नज़र आएंगे. तो जनाब स्पीकर बिल्कुल ये अफसोसनाक हमारे लिए अलमिया है. हर वक्त हम उठते हैं, हर वक्त हम यही बात करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना, जिन्होंने फेडरल PSDP का हिस्सा बनाया था इसको, उसके बाद दोबारा इसको निकाल दिया गया. बलूचिस्तान को हमेशा इसी तरह महरूम रखने की जो कोशिश की जाती है फेडरल लेवल पे, एटलीस्ट हमें अपना हक उनसे मांगना चाहिए. तमाम जगहों पे नेशनल हाईवेज बन गए हैं, आपके मोटरवेज बने हुए हैं, आपके स्टाफ है. नेशनल हाईवे जो पुलिस ने जो कुछ लोग अपने NHA के जो खड़े किए हैं वो सिर्फ चालान करने की हद तक ही खड़े हैं, जहाँ गाड़ी देख ली स्पीड है नहीं है बस 300 का चालान देने के लिए वो खड़े हो जाते हैं. ट्रक मालिकान है वो जो ट्रक चलाते हैं, पहले ड्राइवर उनके साथ जो कैलेंडर होते हैं एक टाइम में आप देखें कि वही कैलेंडर जो है ना ट्रक चला रहे होते हैं. यानी हमारे यहाँ जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, चेक एंड बैलेंस है, वो कहीं पे नहीं है. ना हम ये देखते हैं कि ये जो हादसात हैं इनकी वजूहत, एक तो सिंगल रोड है हमारा, उसके बाद जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं वो लोग इन रोडों पे गाड़ी चलाते हैं. और जो है ना अपना आप कई हादसात को आप देख लें, आजकल तो वीडियो और रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं. इसी तरह आपको अगर इसका कंप्लीट डाटा चाहिए तो वी आर वेरी थैंकफुल टू PPHI कि हमारे पास हॉस्पिटल्स में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है. PPHI अजीज़ जमाली साहब और उनकी टीम ने एटलीस्ट रेस्क्यू जो उन्होंने अपना एक टीम बनाया है, एटलीस्ट इनके उन्होंने ये है कि कुछ कुछ जगहों पे हमें फौरी तौर पर एम्बुलेंसेज मिल जाते हैं. लेकिन हम इन चीज़ों को इस तरह हम नहीं सोल्यूशन की तरफ लेके जा सकते जब तक हमारे ये सिंगल रोड्स जो है ना इनको डबल ना किया जाए, इनको मोटरवे की शक्ल ना दी जाए. तब तक मेरा ख्याल है इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा और हम इसी तरह लाशें उठाते रहेंगे और इसी तरह हम तहरीक-ए-इल्तवा जो है ना पेश करते रहेंगे. थैंक यू. शुक्रिया मैडम.